आज मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। इंग्लिश में idioms के तौर पर इसको हम कैसे कहेंगे, आज के इस वीडियो में हमें ये सीखना है। जब कभी कोई ऐसी चीज आपके साथ हो जाती है जिससे आप बहुत जॉयफुल फील करते हैं, बहुत डिलाइटेड फील करते हैं, बहुत चीयरफुल फील करते हैं, मतलब जैसे आपकी लॉटरी लग जाए, आपका कोई फ्रेंड आपके साथ प्रोग्राम बना ले बाहर घूमने जाने का, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ऑफ कोर्स इंग्लिश में आप कहेंगे आई एम ऑन क्लाउड 9। जब कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, आई एम ऑन क्लाउड 9, राइट? यदि आपका रिश्ता हो गया है आपकी मनपसंद लड़की से या आपके मनपसंद लड़के के साथ, जैसे आप पहले से पसंद करते थे, तो आप कैसा अंदर ही अंदर, हालांकि आप किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन आप कहेंगे आई एम ऑन क्लाउड 9। सोशल मीडिया पर आप वीडियो पोस्ट करते हैं और आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए तो आई एम ऑन क्लाउड 9। आज आपने जो खाना बनाया वो बहुत टेस्टी था और सारे लोग आपकी बार बार चर्चा कर रहे हैं, बार बार तारीफ कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे या कहेंगे आई एम ऑन क्लाउड 9। आपका रिजल्ट आया है और आपने अपना कॉलेज टॉप किया है, आई एम ऑन क्लाउड 9। यदि कोई आपसे पूछे हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाउ आर यू टुडे, तो आप एक जवाब दे सकते हैं आई एम ऑन क्लाउड 9। लेकिन आप ये तब कहेंगे जब आप बहुत खुश महसूस कर रहे हो। हाँ, आपको अभिषेक सर का चैनल पहली बार देखने को मिला और आसानी से अंग्रेजी समझ में भी आ गई, तो आप कहेंगे आई एम ऑन क्लाउड 9। वीडियो को अभी लाइक करिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।